रखते हैं, शायद इस इंडस्ट्री की नींव नहीं रखते, शायद सेफ शॉप इंडस्ट्री का अगर उद्घाटन ही नहीं होता तो शायद मुझ जैसा बच्चा जो आज आप चमक देख पा रहे हैं शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। तो मैं चाहूंगा ऐसे सेफ शॉप इंडस्ट्री के लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। और आप लोग को आपके उज्जवल भविष्य की मैं शानदार कामना देते हुए मैं इस बात का आपसे वादा करता हूं कि अगर वाकई में आपकी सोच आज से पहले क्या थी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वाकई में अगर आपकी सोच डायमंड बनने की है, कंफर्म जीवन में कुछ करने की है, तो आज इस प्लेटफॉर्म में आप आ चुके हैं सेफ शॉप इंडस्ट्री। ये सेफ शॉप इंडस्ट्री आज काफी है क्योंकि मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स को देखा है ये बोलते हुए कि मुझे डायमंड बनना है, बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने देखा है उनको बोलते हुए कि मुझे डायमंड बनना है, बहुत सारे किसान को मैंने देखा है कि मुझे डायमंड बनना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की चाहत को देखा है कि उनको डायमंड बनना है, लेकिन आज तक इन 4 सालों में मैंने किसी डायमंड को नहीं देखा कि किसी और को बनते हुए, या इंजीनियर या डॉक्टर। थैंक यू। तो बधाई हो, वही इंडस्ट्री जो मुझे 4 साल पहले गोरखपुर में मेरे मामा जी के द्वारा मिला था, आज मैं तहे दिल से आपको बधाई देना चाहूंगा। आज वही सेम इंडस्ट्री, वही कंपनी, वही प्रोडक्ट, वही डायरेक्टर और वही भारत देश आपको भी मिला हुआ यहाँ पे डायमंड बनके दिखाने का। तो क्या आप लोग तैयार हैं? शुरुआत किया था तो उम्र कम, पिताजी का साया नहीं था, घर का मैं बड़ा लड़का था, पढ़ाई लिखाई उतनी खास हुई नहीं थी, कोई तजुर्बा कोई ज्ञान नहीं था, ना दुनियादारी के बारे में जान पहचान थी, ना इतना चमक नहीं था। तो मुझे याद है वो भी दिन कि जब 4 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, ना मान सम्मान, ना इज्जत, ना शोहरत, ना सूट, ना जूते पहनने की भी कुछ नहीं था मेरे पास। तो उस समय इस इंडस्ट्री में मेरे पास केवल इकलौता एक चीज था जिसकी वजह से आज ये सब आया है, और वो कोई और नहीं, मेरा सीनियर अपलायंस श्री दीपक कुमार सर थे। मैं चाहूंगा सर के लिए एक जोरदार तालियां, और आप सभी लोग को बधाई देना चाहूंगा कि अगर ऐसी मेंटरशिप की गाइडलाइन में रहकर, अगर ऐसी सीनियर अपलाइन की उंगली पकड़कर, ये 16 साल का बच्चा शुरुआत किया था, 16.5 साल की उम्र थी, ना पिताजी का साया था कोई, ना बैक सपोर्ट था, भारी कुछ नहीं था, ना दुनियादारी के बारे में जानकारी थी, लेकिन सर की बस उंगली पकड़कर इनकी गाइडलाइन में चलकर जो काम एक समय असंभव दिखता था, कभी दिखता नहीं था कि ये छोटा सा बच्चा कभी डायमंड बन पाएगा, लेकिन सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी। जब बिजनेस में मैं आया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं डायमंड बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, ज्यादा पल्ला भारी रहता था ना की तरफ से, क्योंकि जिसको भी प्लान देता था हमेशा एक ही बात बोलता था, तू अभी बच्चा है, तूने अभी दुनिया नहीं देखा है, तुम्हें मालूम नहीं है कैसे इंडस्ट्री आती है चली जाती है, लोग बनते होंगे लेकिन तुम नहीं बन पाओगे, हमेशा बच्चा होने का मुझे आभास दिलाते थे, और बच्चा था भी मैं, कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं सर के सामने गया और जाके मैंने ज्वाइन करने के बाद पूछा, सर देख लीजिए एक बार ऊपर से नीचे, मुझे काला पीला उस समय दिखता था, सफेद एक टी-शर्ट था, मामा जी का गिफ्ट किया हुआ उसी को पहन के, हीरोजुम साइकिल थी मेरी पास जब इस कंपनी को शुरुआत किया था, और माँ का आशीर्वाद था और अंदर हौसला था कुछ करने का, क्योंकि कुछ करना था, क्योंकि भाई बहन को पढ़ाना था, 8 लाख का कर्जा था हटाना था, बहन की शादी की जिम्मेदारी थी, खुद की जिंदगी को संभालने की जिम्मेदारी थी, ये सब जिम्मेदारी मेरे कंधों पे थी, तो ये मैं लेके जी रहा था और यही सोच रहा था कि कोई अवसर भगवान दे, और बहुत ज्यादा तड़प था इस बात का कि बस कुछ करने को मिल जाए, करके हम साबित कर देंगे, ये अंदर तड़प चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कोई रास्ता आज से 4 साल पहले मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन मेरी नानी, नानी समझते हैं आप लोग, नानी जी, ये वाली टीम इंग्लैंड से आई है, वहां भी नानी होती होंगी भाई साहब, लेकिन जींस वाली होती होंगी, यही तो फर्क होगा। थैंक यू। नानी कभी भी आती थी हमारे घर पे, क्योंकि वही एक नानी नाना सहारा थे, मौसी मौसा और कोई अपना था नहीं, क्योंकि आपको मालूम है जब गरीबी दस्तक देती है तो अपने कहने वाले लोग भी किनारा कर लेते हैं, यस और नो, तो ऐसा कुछ कंडीशन चल रहा था। लेकिन नानी आई और एक बात बहुत अच्छी बोली उन्होंने, हमेशा दुख पड़ता था मेरे परिवार में, माँ कभी रोती थी, कभी तकलीफ में आते थे ज्यादा, तो हमेशा माँ एक बात, नानी एक बात बोला करती थी मेरे परिवार से कि बेटा घबराओ नहीं, ऊपर वाले घर देर है मगर अंधेर नहीं, एक दिन मौका ईश्वर जरूर देगा। और उसी बात को लेकर मैं चल रहा था, जी रहा था, और सौभाग्य से मामा जी से मुलाकात हुई 4 साल पहले, बिजनेस मिला, अपलाइन आया, और मैंने अपलाइन जब बिजनेस करना शुरुआत किया
तो कहानी वहीं से शुरुआत होती है जहां से आपने आज शुरुआत करने का फैसला लिया है। यस और नो? क्योंकि सास भी कभी बहुत ही, तो वहीं से मेरी भी कहानी शुरुआत हुई। प्लान देने की शुरुआत किया, लोग बच्चा बोले, पता नहीं क्या क्या नहीं बोले, लेकिन अपलाइन के पास जब मैं गया तो समझ गया। क्योंकि जब इस बिजनेस में एक ही चीज मुझे समझ में आई इन चार सालों में, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अगर अपलाइन किसी के पास मजबूत है तो 100% पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ, और अगर अपलाइन एक साथ खड़ा हुआ है ना तो पूरी दुनिया भी मिलकर आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती, अगर अपलाइन आपके साथ खड़ा है। थैंक यू। और अपलाइन के पास मैं गया, जब लोग बोलते थे बच्चा आया नहीं होगा, तुझसे ना तजुर्बा ना अनुभव ना ज्ञान ना कुछ नहीं था अपने पास, तो अपलाइन ने मुझसे एक ही चीज बोला था, सौरभ हो सकता है तुम अपने टैलेंट से डायमंड नहीं बनोगे, हो सकता है नहीं बन सकते, हो सकता है पक्का नहीं बनोगे, लेकिन अगर एक बात समझ लो तो हो सकता बन जाओ आप। तो मैंने बोला सर कौन सी बात, तो सर ने एक ही चीज बोला था कि सौरभ चौधरी मान लो अगर कोई ट्रेन, आप लोग मान सकते हैं, अगर कोई ट्रेन पटना से अगर दिल्ली की तरफ जा रही है और स्लीपर S2 में जाके S2 वाले बुगी में 13 नंबर बर्थ पे एक विकलांग का लड़का बैठ जाए और उसके बगल में 13 में 14 में S2 में 14 में ही नंबर पे एक बहुत तेज दौड़ने वाला धावक बहुत स्पीड में दौड़ता है और बहुत सुंदर दिखता है और बहुत अच्छे परिवार का है, वो उसके बगल में जाके बैठ जाए। अब मैं आप सभी लोग से जानना चाहूंगा, अगर कोई ट्रेन यहाँ से निकल रही है पटना से दिल्ली की तरफ से और S2 में 13 नंबर पे एक विकलांग बैठा है, 14 नंबर पे बहुत तेज दौड़ने वाला लड़का बैठा है, आप मुझे बताइएगा थोड़ा कि दोनों में से पहले दिल्ली कौन पहुंचेगा? ये वाले डाउट में आप लोग तो बहुत ज्यादा चलाक हैं। मैं कहा उस समय कि नहीं सर वो वाला दौड़ने वाला पहुंचेगा, क्योंकि दौड़ाक है, बहुत तेज दौड़ सकता है, टैलेंट स्किल उसके अंदर है। तो उस समय मेरे गुरुजी ने समझाते हुए कहा था कि सौरभ जिस तरह आप लोगों ने बोला दोनों पहुंचेंगे, उसी तरह मैंने भी समझदारी से जवाब दिया कि सर अगर ट्रेन दिल्ली 11 बजे पहुंचेगी तो दोनों टाइम पे वहां एक साथ पहुंचेंगे, अगर दिल्ली 6 बजे अगर ट्रेन पहुंचेगी तो 6 बजे दोनों एक साथ प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे। तो सर ने उसे समझाते हुए मुझसे बोला था सौरभ चौधरी इस बिजनेस में अगर आप आ गए हैं, ज्वाइनिंग ले लिया है 8, 9, 10,000, 20,000 जिस भी पैकेज को लेकर आपने ज्वाइनिंग ले लिया है, लेने के बाद जिस भी धर्म जिस भी गोत्र जिस भी जाति से आप हैं, इस बात का कोई फर्क हमारी इंडस्ट्री को नहीं पड़ता, क्या पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे इस बात से कुछ नहीं फर्क पड़ता, छोटे हैं बड़े हैं मोटे काले हैं पीले हैं जैसे भी हैं आप, किसी बात का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो इस बात से इंडस्ट्री में बहुत फर्क पड़ता है। और अगर आप टिके रहेंगे और सिस्टम में ज्वाइनिंग आके इसमें ज्वाइनिंग लेने के बाद टिकट कटाकर चुपचाप से सिस्टम में आके बैठ जाएंगे, जिस तरीके से वो ट्रेन जा रहा है अपनी मंजिल में, अगर आप भी चुपचाप से टिकट कटा के बैठ लेंगे तो ऑटोमेटिक आप भी ट्रेन के साथ पहुंच ही जाएंगे। यस और नो? थैंक यू। और मैंने भी कसम खा लिया कि सर जो बोलोगे, माँ की बात एक समय के लिए कट सकती थी लेकिन अपलाइन की बात नहीं कटती, क्योंकि उस माँ को भी खुशियां देना था कहीं ना कहीं से लाके, तो मैं सोचा इनके पास खुशियां हैं इन्हीं से चुरा के मैं ले जाऊंगा खुशियां को, और मैंने अपलाइन की बात मानी, जैसा जैसा अपलाइन बताया वैसा वैसा मैंने करने की शुरुआत किया। शुरुआत में लोग जुड़ते नहीं थे, प्लान दिखाते तो प्रॉब्लम आती थी, मैं प्लान दिखाने जाता नहीं था, डर लगता था, तो सर ने बैठा के एक दिन प्लान दिखाना सिखाया और फिर बोला, फिर भी मैं डरता था प्लान दिखाने नहीं जाता था, लेकिन सर ने एक बात बोली, उस दिन से मैंने प्लान लेके बेड़ा शुरुआत किया। सर ने बोला कि अगर आप प्लान नहीं दिखाते इस बिजनेस में तो ये बिजनेस आपका नहीं है, ये बिजनेस अपलाइन का है, आप अपलाइन के लिए बिजनेस कर रहे हैं, जिस दिन से आप प्लान दिखाना शुरू करेंगे उस दिन से आपका ये बिजनेस होगा। मैंने बोला सर डर लगता है, तो सर ने एक ही बात बोला था, अगर आपको तैराक बनना हो, अगर आपको तैराक बनना हो तो नदी के किनारे खड़े होकर चिल्लाने से कि मैं तैराक बनूंगा, मैं तैराक बनूंगा, मैं तैराक बनूंगा, तो कभी तैराक बनने वाले नहीं है, आपको तो एक बार रिस्क लेकर नदी में पैर डालना ही पड़ेगा। और जिस दिन से आप नदी में पैर, थोड़ा रिस्क जरूर है लेकिन जब तक आप ये रिस्क लेंगे नहीं तब तक आपको तैरना, प्लान दिखाने से हो सकता पहली प्लान में जुड़े या ना जुड़े, लेकिन आप जब उतरेंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे, और एक दिन सीखते सीखते कहते हैं जो बच्चा साइकिल से गिर रहा है चलाना नहीं जानता, अगर सिखा दिया जाए उसी बच्चे को तो बड़ा होकर एरोप्लेन भी उड़ा लेता है। यस और नो? तो वैसे ही सीखने की ताकत थी, सर ने सिखाया, फ्राइडे की ट्रेनिंग को बराबर पकड़े रखा, बराबर एकदम बराबर 1.5-2 साल तक बराबर, एक भी दिन गैप नहीं हुआ था, मेरा रिकॉर्ड है बराबर शुरुआती दौर में 1.5-2 साल तक, और मैं बना रहा साइकिल से आता था, बारिश होती थी, बहुत
संघर्ष बड़ा दिन रहा, चार सालों में जो जो सीखने का जगह जहां भी रहा, मैंने एक ही चीज देखा, सीजन नहीं देखा कि बारिश का सीजन है, सर्दी का सीजन है, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है मत जाओ, ऐसा सीजन ना गर्मी ना ठंडी, कोई सीजन नहीं देखा। मैंने केवल काम करने का रीजन देखा था इन चार सालों में, कि चार सालों में रीजन क्या है मेरे पास कि काम करके मैं आगे आऊंगा। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा रीजन था, जब कोई मना करता था तो मैं रुकता नहीं था, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रांग पर्पस था, क्योंकि जब मैं कोई मना करता था मैं थक जाता था, रुक जाता था, घर में जब जाता था तो उसी मम्मी और बहन और भाई को जब देखता था तो बहुत दर्द होता था कि अगर डायमंड नहीं बनाना तो हो सकता है ऐसे घुट घुट के मर जाए मेरा परिवार मेरे साथ। तो इसलिए तो मजबूरी में चाहे कैसे भी करके इस परिवार की हालत को ठीक करने के लिए डायमंड तो सौरभ चौधरी तुमको बनना होगा। और फिर मैं मोटिवेट होता था और फिर घर से निकलता था, फिर प्लान लेकर और फिर से बोलता था एक बार और करेंगे ट्राई। और इसी चक्कर में ट्राई करते हुए अपलाइन का साथ पकड़े हुए आज आपको बताते हुए बड़ा खुशी है। जहां दो लोगों से बात करते हुए पैर कांपता था, लोग बाल दिखाते थे कि बेटा सबके साथ लोग जुड़ सकते हैं लेकिन तेरे साथ कोई नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये धूप में बैठ के बाल हमने सफेद नहीं किया है, ऐसी बहुत आती बहुत जाती है, ऐसा चलता नहीं है, बहुत बातें हुई लेकिन मैंने अपलाइन और सिस्टम का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। भरोसा था, भरोसा ठीक उस तरीके से मुझे था कि जैसे आप लोगों ने जानते हैं पत्थर, एक पत्थर समझते हैं आप लोग, एक पत्थर को अगर पानी में फेंके तो डूब ही जाएगा, ठोस चीज जिस तरह पानी में डालते हैं डूब जाता है, लेकिन एक सिद्धांत है कि पत्थर डूबना ही डूबना है, चाहे छोटा डाले चाहे बड़ा डाले, किसी भी पानी में नीला पीला जैसा भी समुद्र हो चाहे नदी हो पोखरा हो, किसी तरीके का भी पत्थर फेंकेंगे तो डूबेगा ही डूबेगा। यस और नो, ये एक प्रकृति का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कोई माइका लाल बदल नहीं सकता, ये एक सिद्धांत बना बनाया भगवान का प्रकृति का है कि एक पत्थर एक ठोस चीज अगर पानी में फेंकेंगे तो डूबेगा ही डूबेगा। उसी तरीके से जिस तरह ये सिद्धांत है तो मुझे एक स्मरण हुआ, एक याद आया, एक बात मैंने जाना किसी से कि जिस तरह वो पत्थर डूबने का सिद्धांत था, लेकिन रामायण आपने सुना होगा शायद पढ़ा भी होगा, यस और नो, रामायण पावन गाथा है हमारे यहाँ की, उसमें मैंने सुना किसी से और जाना कि वही पत्थर जो एक सिद्धांत था कभी डूब तैर नहीं सकता था, लेकिन जब राम जी रावण तक जा रहे थे, लंका तक जा रहे थे, तो जो महासागर पे सेतु उन्होंने बनाया था, निर्माण किया था, वो पत्थर का ही तो बना था। यस और नो, जो सिद्धांत आज तक का पूरे विश्व का पूरे ब्रह्मांड का सिद्धांत था, पत्थर एक ठोस चीज पानी में तैर नहीं सकता था, लेकिन एक बना बनाया सिद्धांत टूट गया राम नाम लग जाने से। यस और नो, एक राम नाम लग जाने से पत्थर भी पानी में तैर गया। उसी तरीके से हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम पे मेरा भरोसा ठीक उसी तरीके से था कि अगर सौरभ चौधरी तेरे अंदर पनौती है, कम पढ़ा लिखा नहीं जानता दुनिया के बारे में, लेकिन अगर सपोर्ट सिस्टम और अपलाइन का साथ अगर बना रहा तो यहां भी सिद्धांत टूटेगा, तू भी एक दिन इतिहास रच के दिखाएगा, तू भी यहां डायमंड बन के दिखाएगा। थैंक यू। और यही बात बस बनाए रखा, अपलाइन में भरोसा रखा, मां की बात, पूरा परिवार था, सबका आशीर्वाद बना रखा और अपलाइन साथ देता चला गया। जहां दो लोग को जोड़ने की बात आती थी, अभी आप बैठ के सोच रहे हैं लोग आपके साथ 10,000 जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, आज आपके बीच में प्रमाण के रूप में खड़ा हूं, 20.5 साल की उम्र में 14,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में। थैंक यू। जहां पैसे की बात थी, पैसा नहीं था घर में, खाने की दिक्कत होते थे, बिजली का बिल आता था, मम्मी बगल से उधार मांग के लाती थी, सिस्टम में देखा था लोग पैसा यहां से कमा रहे हैं, इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं कि भर पेट, जिस तरह खाना खाना बोलते हैं ना, भर पेट, यहां पे पैसा भी मिल रहा था भर पेट, एकदम आदमी का दिल संतुष्ट हो जाता। मैं सामने देखता था लोगों को पैसा कमाते हुए, एक एक हफ्ते का 1,00,000 रुपया, तो मुझे भी लगता था यार 1,00,000 नहीं आएगा लेकिन 10,000 भी आ जाएगा ना तो इस बच्चे के लिए बहुत होगा। शुरुआत किया था पैसे के लिए और काम करना शुरुआत किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सबसे बड़ा मेरा सपना था मेरे घर को छोड़ाना, जो पिताजी छोड़ के गए थे, 8,00,000 का कर्ज था मेरे पर, लोन था उस मकान का, अपना मकान भी नहीं था, तो पहला टारगेट ये लगाया था कि इस मकान को छोड़ाऊंगा। और आज सिस्टम और अपलाइन के आशीर्वाद की वजह से और इस कंपनी की वजह से आज सौरभ चौधरी की 20.5 साल है, जो अपना मकान बचाने की औकात नहीं थी, वो लोन छुड़ाने की सरकार से औकात नहीं थी, आज इसी बिजनेस और इसी कंपनी और सिस्टम की अपलाइन की वजह से आज अपनी मम्मी को 30,00,000 की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करके गिफ्ट में दे चुका हूं इसी बिजनेस की वजह से। थैंक यू। एक समय था बिजनेस को साइकिल से शुरुआत किया था, एक समय मैंने सर को फोन किया, दीपक सर हमारे गुरुजी आए थे गोरखपुर में, उस समय रहते थे काम करते, एक समय था कहीं फॉलोअप करने मुझे ले जाना था, फॉलोअप करने के लिए मैं प्लान दिया था, कहीं एक जगह था हमीनपुर एक गांव है, वहां सर को फॉलोअप करने के लिए मुझे ले जाना था और मैंने सर को कॉल किया, सर चलना है वहां पे, तो सर बोले, सर भी आगरा के रहने वाले और पहली गोरखपुर आए थे,
तो फिर सर बोले कैसे चलेंगे, फिर मैं बोला मेरे पास तो सर साइकिल है, साइकिल पे चलेंगे। फिर सर भी बोले बोले ऐसे कैसे चलेंगे, अपलाइन को आइडेंटिफाई करके ले जाएंगे अपलाइन को तुमने। फिर मैंने आइडेंटिफाई भी किया था बम्पर, क्योंकि वो प्रधान था अमीनपुर गांव का, तो मैंने उसको बोला था कि अभी हमारे बीच में गए सर आएंगे आपसे मिलने, जो एकदम अमीर है और पैसा कमा रहे कंपनी में, धुआंधार सक्सेसफुल है, और उनको साइकिल पर। दूसरी तरफ मैं ही सोच रहा था साइकिल पर बैठा के ले जाऊंगा तो मेरी बार झूठी हो जाएगी। फिर सोचा कैसे जाएंगे, फिर सोचा सर टेम्पू चलें टेम्पू से, फिर बोला टेम्पू अंदर तक जाएगी नहीं गांव तक, फिर पैदल जाना पड़ेगा 4 किलोमीटर। बहुत मुश्किल से जब कुछ निष्कर्ष नहीं निकला तो बहुत मुश्किल से सर एडजस्ट करके एक हीरोंडा पैशन प्रो सर के पास, एक सर के पास एक गाड़ी थी उस समय, सर बहुत मैनेज करके रिक्वेस्ट करके लेके आए थे। बड़ा दुख हुआ था कि मेरे ही शहर में आके मेरी औकात नहीं है कि सर को मैं घुमा पाऊँ, लेकिन आज आपको बताते हुए बड़ा खुशी है, सर का आशीर्वाद है और अपनी लगन मेहनत बराबर बनी रही है 4 सालों में। आज काम करने की वजह से एक समय सर को उसने बहुत तकलीफ, अंदर दर्द हुआ था ले जाते वक्त कि दूसरों से गाड़ी मांग के लाना पड़ रहा है, मेरी औकात नहीं अपने गोरखपुर में शहर में घुमा पाऊं, लेकिन आज इस कंपनी में भरोसा करने की वजह से, अपलाइन का हाथ पकड़े रहने की वजह से आज बताते हुए बड़ा खुशी है कि पूरा गोरखपुर से लेकर यहां पटना तक अपने कार 4 व्हीलर 16 लाख की होंडा सिटी टॉप मॉडल में लेकर आया हूं फॉलोअप कराने। थैंक यू। आज इसी बिजनेस की वजह से जहां पे छुट्टियों का दिन आता था, तो मैं और मेरी मम्मी नानी के यहां घूमने जाते थे। ऐसा होता है आम घरों में कि जब छुट्टियों का दिन आता बच्चों का तो नानी के घर घूमने जाते हैं, बुआ के घर, वहीं तक अपना दुनिया रहता था, अपना घर नानी का घर वहीं तक दुनिया था। लेकिन आज थैंक गॉड, आज थैंक सिस्टम, आज इसकी वजह से नानी का घर केवल दुनिया ही नहीं रह गया, आज इसी बिजनेस की वजह से आज देश में पूरे इंडिया में ज्यादातर शहरों में घूम ही चुका हूं और आज अपने देश में तो पूरा कर ही लिया हूं, लेकिन आज सर लोग के आशीर्वाद और सिस्टम और कंपनी की वजह से जहां नानी तक मेरी दुनिया सीमित थी केवल, लेकिन आज इसी बिजनेस की वजह से कई देश, हांगकांग, मकाओ, चाइना, विदेश यात्रा करने का भी मौका मिला इसी सेफ सॉफ्ट इंडस्ट्री की वजह से। थैंक यू। आज जो भी कुछ हूं, जो भी चमक या जो भी मेरे परिवार में खुशियां रहे, आज भाई पढ़ नहीं रहा था, स्कूल से निकाला गया था पैसे के चक्कर में, मुझे 9th क्लास से स्कूल से बाहर किया गया था पैसे के चक्कर में, बहन को स्कूल से निकाला गया था पैसे के चक्कर में, मैंने भी कसम खाया था जिंदा रहूंगा मरने से पहले अपने भाई बहन को जरूर पढ़ा के जाऊंगा, ये सेफ सॉफ्ट इंडस्ट्री की देन है और आज हमारे अपलाइनों का आशीर्वाद है, इनका सपोर्ट था जिनकी वजह से आज मैं अपने भाई को भी पढ़ा रहा हूँ, भाई की तबीयत खराब थी, हड्डी की बीमारी थी, उनको भी आज ठीक करा रहा हूँ इसी बिजनेस की वजह से, आज बहन को बीटेक कराने की तरफ ले जा रहा हूँ वो भी इसी बिजनेस की वजह से, और आज माता की भी तबीयत खराब थी उनकी भी तबीयत जड़ से ठीक करने का अगर सौभाग्य मुझे मिला तो आज इसी सेफ सॉफ्ट इंडस्ट्री की वजह से। थैंक यू। बराबर 4 सालों में काम करता चला गया, ज्यादा कुछ नहीं मैंने किया है, अगर आपको लगता है ज्यादा कुछ करना पड़ता है, अभी यहाँ एक भाई साहब गोल्ड सर, सबसे पहले मैं गोल्ड को बधाई देना चाहूंगा, हमारे न्यूली गोल्ड के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, मिस्टर दीपक कुमार के लिए और बाकी सभी सिल्वर स्टार के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आगे जल्द से जल्द आप अपने डायमंड सब को तय करें। बोल रहे थे कि बहुत हार्ड होते जाता है, आगे मुश्किल है फिर उसके बाद मुश्किल, लेकिन तीसरे दिन खुशी होगी परसों। मैं कहता हूँ कि आप खुशी होने के लिए काम मत करिए, खुश पाने के लिए, खुश होने के लिए आगे काम मत करिए, खुशी आगे मिलेगी उसको कैच करने के लिए आज काम मत करिए, आप खुश रह के काम करके देखिए, एक दिन लगातार खुशियां बरकरार रहेगी आपकी, और मैंने वही किया है। सिस्टम सेफ सॉफ्ट इंडस्ट्री ने आज मौका दिया हम लोग को अपनी आवाज बोलने का, अगर सेफ सॉफ्ट इंडस्ट्री नहीं होती तो हम बोलने का औकात नहीं होता, अपलाइन ने काका गागा इस बिजनेस में बोलना चलना प्लान फॉलोअप एफआईएम सब कुछ करना सिखाया मेरे अपलाइन ने, और आज आप लोग का बहुत ज्यादा मैं रेडी हूँ कि आज इस पटना शहर में आप सभी लोगों को, इस आप सभी प्यारे लोगों ने इस मंच से इस छोटे से बच्चे को बोलने का मौका दिया है, मैं चाहूंगा आप सभी महत्वाकांक्षी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। बाकी आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, मैं ज्यादा बहुत है मेरी बात क्योंकि इतना हूं मैं उतना ही बोलता हूं, छोटा हूं छोटी बात सही रहेगी, बड़ा मूव नहीं करता हूं, जितना किया है उतना करके यहां तक पहुंचा हूं, और लास्ट एक बहुत बहुत ही उज्जवल बात मैं आपसे करने वाला हूं, बहुत ही उत्कृष्ट बात, क्योंकि आज हमारे बीच में दो महान हस्तियां मौजूद हैं, आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि आज इस पूरे भारत के अंदर 150 करोड़ की आबादी है, किसी को किसी से मतलब नहीं है आज के डेट में, सब बिजी हैं अपने आप में, लेकिन मैं आज सच कहना चाहूंगा आज ऐसी दो महान पर्सनालिटियां हमारे बीच में मौजूद हैं
जिनकी वजह से आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस नहीं भाई साहब, पंद्रह नहीं, बीस नहीं, आज बल्कि हजारों लोगों की जिंदगियां आज लगातार इन दो महान हस्तियों की वजह से बदल रही है। मैं चाहूंगा अब तक की सबसे शानदार हमारे मेंटर के लिए, जिन्होंने अपना बहुत बेशकीमती समय निकालकर आज इस पटना, इस बिहार समय, बिहार के लिए आज अपना अनमोल समय दिया है, और आज इनकी बात सब सुनकर और समझकर अगर मुझ जैसे 20 साल के नादान बालक की जिंदगी बदल सकती है, मैं तो केवल एक छोटा सा इनकी टीम का एक छोटा सा, एक अंश भी नहीं हूं, मेरी औकात नहीं कुछ बार सर के बारे में कह सकूं, एक छोटा सा बस नॉर्मल सा सिपाही हूं। सर के टीम बहुत बड़े बड़े दिग्गज पुलिस वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनकी जिंदगियां सर के गाइडलाइन में बदली है। तो मैं एक ही चीज आप लोग से कहूंगा, अगर इतनी धांसू, इतनी दमदार लीडरशिप, इतनी दमदार मेंटरशिप अगर आज आपको मिलने वाली है, तो मैं चाहूंगा अब तक की सबसे प्यारी तालियां हमारे महागुरु जी लोगों के लिए होनी चाहिए।